हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी, है ना? और अगर नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए जोरों शोरों से, है ना? क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट टीचर का डाला हुआ है फॉर्म, तो फिर तो 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और विजिट कीजिए चैनल पे, ठीक है? काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी में। मैंने बहुत सारे राइटर्स की बायोग्राफीज डाली हुई हैं, ठीक है? और बहुत उनके वर्क्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डाले हुए हैं। तो अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ और तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है? साथ मिलकर के दोस्तों तैयारी करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, अब बात आती है दोस्तों ऑड टू नाइटिंगेल। देखिए, ऑड टू नाइटिंगेल ये बहुत ही बेहतरीन पोयम है जॉन कीट्स की, है ना? और ये एक ऑड है। इट इज़ रिटन इन 1819 में इसको लिखा गया था। द पोएट कीट्स स्टेज विद हिज फ्रेंड ब्राउन एट वेंटवर्थ प्लेस। उस जिस वक्त पे लिखी गई थी दोस्तों, उस टाइम पे जो कीट्स थे वो अपने फ्रेंड के साथ रुके हुए थे। कहाँ पर? ब्राउन एट वेंटवर्थ प्लेस में वो रुके हुए थे, हैम्पस्टेड में ये जगह थी कहीं पर। तो ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगल। तो जैसे वो बैठे हुए थे तो उन्होंने नाइटिंगल को गीत गाते हुए सुना। गीत क्या? नाइटिंगल जो गुनगुनाती है, बहुत प्यारी आवाज़ नाइटिंगल की होती है। तो उन्होंने गीत गाते हुए उसको सुना एंड गेट्स इंस्पिरेशन, और वो काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए। ही सिट्स अंडर अ प्लम ट्री, है ना? वो कहाँ बैठे हुए थे दोस्तों? वो एक प्लम ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर वो इस गीत को सुन रहे थे नाइटिंगल के। After 2 or 3 hours, he returns with this odd in his hand. 2-3 घंटे में ही उन्होंने इस odd को लिख डाला वहाँ पर बैठे बैठे, है ना? उनके माइंड में ये एकदम से योजना आ गई कि चलो इस पे जो है एक पोएम लिखते हैं, और उन्होंने ये पोएम दोस्तों लिख दी। Hence this odd is sense spontaneous expression of Keats' joy in the song. ये जो पोएम है ना दोस्तों, ये उनके आनंद का ना एकदम से जो मन में एक उभार आता है, है ना? तो एकदम से स्पॉन्टेनस, अचानक से आने वाला एक्सप्रेशन है ये कीट का, जो आनंद उनको मिला है नाइटिंगल का गीत सुन के, है ना? तो ही विशेस फॉर अ ड्रॉट ऑफ वाइन सो दैट ही मे एस्केप इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगल। ही विशेस, वो चाहते थे कि वो एक घूंट वाइन का भी ले, ताकि वो बच सके नाइटिंगल के संसार से, सुंदर संसार से वो बच सके। व्हेन ही रिजेक्ट्स द आइडिया, जब उन्होंने इस आइडिया को, फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, और वो बिल्कुल घुल गए, बिल्कुल मिल गए नाइटिंगल के उस गीत में, और मिक्स होकर के उन्होंने जो है इमेजिनेशन की। आगे देखिए, ही लाइक्स टू फ्लाई ऑन, ठीक है? वो उड़ना चाहते थे, उड़ना पसंद था उनको। द वीवलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, है ना? वीवलेस विंग्स मतलब वीवलेस होते हैं दोस्तों, बिना दिखाई देने वाले पंख होते हैं, उनके साथ वो उड़ना चाहते थे। ही फील्स दैट कीप डेथ कम्स टू हिम, वो उनको महसूस हो रहा था कि जो डेथ है वो उनके पास आती है। ही विल डाई, वो मर जाएंगे। वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल, नाइटिंगल का गीत सुनते सुनते वो मर जाएंगे, और वो ऐसे ही मर जाना पसंद करेंगे। तो ही नोज दैट द सेम सॉन्ग मस्ट हैव बीन हर्ड बाय रथ एम्पीरर क्लॉन एंड इन फेरी लैंड फॉर लॉर्न। तो दोस्तों, उनको लगता था, वो जानते थे दैट सेम सॉन्ग, ऐसे ही गीत सुने जाते होंगे रथ के द्वारा, एम्पीरर जो सम्राट होते हैं, जो क्लॉन होते हैं, उन सब के द्वारा फेरीलैंड में ऐसे ही गीत सुने जाते होंगे। तो द वर्ड, ये जो फॉरलॉन वर्ड है यहाँ पर, ये हमें किसकी याद दिलाता है? लोनलीनेस की याद दिलाता है दोस्तों, अकेलेपन की याद दिलाता है, ठीक है? तो ही कम्स टू रियलिटी, फिर अचानक से वो रियलिटी में आ जाते हैं। एनी अटैम्प्ट टू स्केप इज़ फ्यूटिल, और उनके जो है सारे जो प्रयास होते हैं बचने के, इस इमेजिनेशन से बचने के जो उनके सारे प्रयास थे, वो व्यर्थ हो गए थे, है ना? वो बेकार हो गए थे। तो नव फैंसी के नॉट चीट हिम, अब वो कहते हैं कि जो इमेजिनेशन है, जो कल्पनाएं हैं, वो उनको चीट नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती। वाज इट अ विज़न, और वो जब वो नींद से जागते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये एक सपना था, और अ वेकिंग ड्रीम, या मैं जागते हुए सपना देख रहा था, या ये हकीकत थी। फ्लैड इन द म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, इस संगीतमय ध्वनि में मैं जाग रहा था या फिर मैं सो रहा था।
तो इस टाइप से दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, द ओड इज पर्सनल, ये पर्सनल ओड है दोस्तों, ये उनकी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई उनकी जो फीलिंग्स हैं इसके अंदर पोएम की, क्योंकि कीट्स रोड इट सोन आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, क्योंकि अपने भाई टॉम की मृत्यु के बिल्कुल बाद में ही इन्होंने इस पोएम को लिखा, तो देयर इज़ अ नॉट ऑफ मेलंकली इन द पोएम, तो कहीं ना कहीं इस पोएम में हमें विषादपूर्ण भावनाएँ भी नजर आती हैं ना, दुख भरी भावनाएँ, क्योंकि मृत्यु की बात हो रही है, तो विषादपूर्ण मेलंकलिक थॉट्स भी हमें इसमें नज़र आती हैं। दोस्तों अगली हमारी जो पोयम है वो है ब्राइट स्टार, तो इट्स आ सोनेट, इट प्रेजेंट्स हिज लव फॉर हिज बिलव्ड, तो ये एक सोनेट है ब्राइट स्टार। अब तक आप ऑड्स पढ़ रहे थे जॉन कीट्स की, लेकिन दोस्तों ये जो पोयम है ये क्या है, ये एक सोनेट है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ कंपोज इन 1819, इसको कंपोज किया गया था, लिखा गया था 1819 में, है ना। तो दोस्तों इट इज़ अबाउट कीट्स सर्च फॉर पीस एंड परमानेंस, तो ये कीट्स की जो उनकी एक क्या कहते हैं सर्च है, खोज है फॉर पीस, शांति के लिए, कि कैसे उन कैसे वो शांति प्राप्त करें एंड परमानेंस इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड, और कहीं पर वो स्टेबल होना चाहते थे, थमना चाहते थे इस परिवर्तन वाले संसार में, क्योंकि संसार में तो परिवर्तन होता रहता, पहले संसार में कहीं ना कहीं वो थमना चाहते थे दोस्तों, तो इसी की खोज में वो थे। तो ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड माइजरीज एंड सफरिंग्स, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड माइजरीज, बहुत झेले हैं उन्होंने और सफरिंग्स भी उन्होंने झेली हैं, तो ही फॉल्स इन लव विद फैनी ब्राउने, वो फैनी ब्राउने के प्रेम में पड़ गए थे, बट लेकिन सी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज लव, लेकिन उसने उनके प्रेम का कोई भी उत्तर नहीं दिया, उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही सीज अ ब्राइट स्टार एंड वॉन्ट्स टू बी फॉर्म एंड स्ट्रोंग लाइक इट, फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, वो एक ब्राइट स्टार को देखते हैं, चमकते हुए तारे को देखते हैं और कहते हैं कि काश मैं भी इसके जितना ही मजबूत बन जाऊँ। द स्टार इज अ वर्सीपर ऑफ नेचर, जो स्टार होता है वो क्या होता है, वो पुजारी होता है प्रकृति का। ही लाइक्स टू टेक रेस्ट ऑन द ब्रेस्ट ऑफ हिज बिलव्ड, तो दोस्तों यहाँ पे कीट्स कहते हैं यहाँ पे कीट्स कहते हैं कि वो मतलब आराम करना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसकी उसके सीने पर सर रख कर वो आराम करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू फील द राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रेस्ट, जो उसकी जो सीने का उछाल है, जिसे हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ब्रेस्ट है वो ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो उस चीज़ को वो महसूस करना चाहते थे अपनी बिलव्ड की, अपनी प्रेमिका की छाती पर सर रख करके। तो ही विशेस टू हियर द साउंड ऑफ हर ब्रीथ, और वो उसकी सांस की ध्वनि को सुनना चाहते थे। इन सच अ ब्लिसफुल स्टेट ही लाइक्स टू एम्ब्रेस डेथ, और इसी प्रकार इसी कंडीशन में वो मरना चाहते थे, मृत्यु की बाहों में वो इसी कंडीशन में जाना चाहते थे कि उनकी प्रेमिका उनके पास हो और वो उसी की बाहों में मर जाएं। समझ गए दोस्तों आप, तो देयर इज नो अदर बेटर वे टू डाइंग देन डाइंग इन द एम्ब्रेस ऑफ द, वो सोचते थे कि और कोई रास्ता मरने का इतना बेहतर नहीं है जितना बेहतरीन रास्ता अपनी बिलव्ड की बाहों में मरने का है। तो दिस पोयम इज रिमार्केबल फॉर कीट्स सेंसुअसनेस एंड रोमांटिक पैसन। तो जो कीट्स की रोमांटिक पैसन जो थी और सेंसुअसनेस जो थी वो इस पोयम में बिल्कुल साफ साफ झलकती हैं दोस्तों। इट कंटेन्स 3 स्ट्रेंज ऑफ 4 लाइन्स, इसमें 3 स्टेंजा हैं दोस्तों, जिनमें 4-4 लाइन्स हैं और लास्ट में एक कपलेट है, जैसा कि 14 लाइन्स होती हैं सोनेट के अंदर, ठीक है, 14 लाइन्स होती हैं दोस्तों और 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजाज होते हैं, क्वाट्रेंस जिनको हम कहते हैं, और एक बाद में 2 लाइन्स का कपलेट होता है। कपलेट किसे कहते हैं, जो 2 लाइन्स का होता है दोस्तों। और राइमिंग स्कीम क्या थी इस पोएम की, ABAB, CDCD, EFEFGG, और ये दोस्तों यही राइमिंग स्कीम आपको बता दूं कि शेक्सपियरियन स्टेंजा की भी यही लाइन है दोस्तों, यही राइमिंग स्कीम है। द इंस्पिरेशन ऑफ फैनी ब्राउन ने थॉट सम क्रिटिक्स बिलीव दैट इट इज़ इसाबेला जॉन्स, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं दोस्तों कि द इंस्पिरेशन ऑफ फैनी ब्राउन ने दो सम क्रिटिक्स बिलीव कि ये इसाबेला जॉन्स थी, है ना। कुछ क्रिटिक मानते हैं इस बात को कि जो फैनी ब्राउन का जो नाम दिया है उन्होंने, ये कौन थी, ये इसाबेला जॉन्स थी।
तो ये थी हमारी ब्राइट स्टार। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने जॉन कीट्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को फिनिश कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो में बना चुकी हूँ, आप देख लीजिए। मैं यकीन के साथ आपको कहती हूँ क्योंकि एक भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट वर्क नहीं बचेगा जॉन कीट्स का, अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और आप करके आएंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद जॉन कीट्स के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।